वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेउवा पटेल समाज एटले लोह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जेवा आंतरराष्ट्रीय स्तरे प्रतिष्ठित नेताना नाम थी ओळखातो तथा अंग्रेजोए पण जेमनी सादाई निष्ठा कर्तव्य प्रेम अने विवेकपूर्ण जीवननी भरपूर प्रशंसा करी ए समाज। उत्तम चारित्र कुशाग्र बुद्धि नीडरता कोठासूज त्वरित निर्णय शक्ति जेवा उत्तम गुणों जेनो परिचय छे तेवा लेउवा पटेल समाज तेनी नवी परिकल्पना खोडलधाम ट्रस्ट नी स्थापना द्वारा तेना वर्तमान जीवन नो पुनरुद्धार झंखी रह्यो छे। जगत जननी मां खोड़ियार नी लेउवा पटेल समाज पर कृपा वर्षा थती रही छे। समाज नी आस्थाने मूर्तिमंत करवा तेना भव्य सामाजिक अने सांस्कृतिक वारसानो नवी पेढ़ी ने परिचय करावा तथा कन्या केळवणी स्वास्थ्य परत्वे जागृति आधुनिक विज्ञान अने टेक्नोलॉजी नु शिक्षण तथा तेनो सकारात्मक उपयोग अने परस्पर ना संबंधों मां उष्मापूर्ण आत्मीयता ने प्रगटावा सौराष्ट्र मां राष्ट्रीय धोरीमार्ग नंबर 8B पर वीरपुर पासे कागवड़ खाते खोडल धाम प्रोजेक्ट आकार लई रह्यो छे। भक्ति द्वारा एकता नी शक्ति नु सर्जन करवाना शुभाशय थी मां खोडल नु भव्यतम मंदिर निर्माण थवा जई रह्यु छे। आंतरराष्ट्रीय कक्षाना तजज्ञोना मार्गदर्शन हेठळ परंपरागत भव्य स्थापत्य शैलीनो उपयोग करीने थनार आ संकुलना निर्माण माटे संतोनी भूमि सौराष्ट्रनी पसंदगी सूचक छे। आ स्थळनी आसपासनो नयन रम्य नजारो जोनारनी आंखमां अढळक उद्गारो उभा करी देशे। देशना अन्य मंदिरोनी हारमाळामां वधु एक मंदिर न बनी रहता खोडलधाम लेउवा पटेल समाजनी आकांक्षाओ अनुसार जीवंत हेतुओ पार पाडतुं एक केन्द्र बनी रहेशे। आ विराट संस्थामां व्यावहारिक धर्म शिखवतुं अध्यात्म जीवन घड़तर करतुं शिक्षण ज्ञातिना युवकोमां कई करी बतावानो उत्साह अने तमन्ना पैदा करवा माटे रमत गमत समाजना मुख्य व्यवसाय अने जीवादोरी समान कृषि क्षेत्रे संशोधन तथा तंदुरस्ती अने फिटनेस प्रत्येनी जागृति तेमज बीमारोनी सेवा माटे स्वास्थ्य सुविधाओना श्रेष्ठ कक्षाना केन्द्रो उभा करवामां आवशे अने मनोरंजन तथा लेउवा पटेल समाजनी भातीगळ संस्कृति तथा प्रगतिनी झांखी करावतुं कायमी प्रदर्शन लाइब्रेरी प्रार्थना हॉल प्रयोगशालाओ ऑडियो विज्युअल गैलरी वगैरे निर्मित थशे। संगठित मजबूत सुशिक्षित सभ्य प्रगतिशील तथा वैज्ञानिक अभिगम ने वरेल समाज नी रचना माटे मंच पूरो पाड़वो ते आ ट्रस्ट नो हेतु छे। कुरिवाजो अंधश्रद्धा वहमो अने व्यसनों थी मुक्त बनी विकास नी राह पर अग्रेसर बनवा एकता नो शंख फूंकवो ते आ संस्थानी नेम छे। समग्र प्रोजेक्ट नु विश्व स्तरीय अमलीकरण करवामां आवशे। खोडल धाम ए लेउवा पटेल समाजना आत्मसन्मान नु प्रतीक बनी रहे ते माटे समाजनो देश विदेशना खूणे खूणे वसेल दरेक सभ्य पोतानु हर संभव योगदान आपी छूटशे जे लेउवा पटेल समाजना इतिहास नु सीमा चिन्ह बनी रहेशे। सक्रियताना दरेक क्षेत्रे आ समाज विकासनी हरोळमां सदा अग्रेसर रह्यो छे। सेवा अने संगठनना उमदा हेतुथी खोडल धामनुं निर्माण करवानी कल्पना अने तेनी फळीभूत थई रहेल वास्तविकताने समाजना अमूल्य वारसानो संदेशो आवनारी पेढ़ी सुधी पहोंचाडशे अने ते छे समाजे प्रगति अने विकास माटे करेल संघर्षो अने शिक्षण समृद्धिनी पांखो मेळव्या पछी पण आपणा समाजना नानामां नाना सभ्योना स्वप्नोने आर्थिक अने सामाजिक विकासनी कायमी उड़ान आपतो संदेशो। समाज माटे आज सुधी थयेल कामनो सादर स्वीकार अने तेमां प्राण फूंकीने पुनः संगठन उभुं करवुं ए आ ट्रस्टनो मंत्र छे। जे काम अधूरा छे तेने शिक्षण संस्कारनी प्रवृत्तिओथी पूर्ण करवा नवी सुविधाओ अने नवा भवनोनुं निर्माण करवुं ते तेनुं स्वप्न छे। 70 एकरना विशाळ क्षेत्रफळ धरावता खोडल धामने आध्यात्मिक सामाजिक शैक्षणिक वैज्ञानिक तेमज सांस्कृतिक प्रवृत्तिओथी धमधमतुं करवामां आपणो सौनो पूर्ण सहयोग तथा नवा स्वप्नोने आकार आपवानो दृढ़ निश्चय मुख्य परिबळो बनी रहेशे।
દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણેથી સરળતાથી પહોંચી શકાય તેવા સ્થળે ખોડલધામનું ભવ્ય નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને આ યજ્ઞ કાર્ય માટે દેશ વિદેશના ખૂણે ખૂણે વસેલ દરેક જ્ઞાતિજન પોતાના તન મન ધનથી યોગદાન આપી છૂટશે. તો આવો તારીખ 21-1-2011 શુક્રવારના રોજ યોજેલ ખોડલધામ શિલાન્યાસ પ્રસંગમાં અચૂક હાજરી આપી આ ઉમદા કાર્યને ભવ્યતા બક્ષીએ.